इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। शहर के सवीना थाना इलाके में स्थित हिरण मगरी सेक्टर 14 के अरिहंत नगर में चल रहे जमीन विवाद के मामले में तहसीलदार विमलेंद्र राणावत ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार हिरण मगरी सेक्टर 14 स्थित अरिहंत नगर में मोहम्मद शफीक के प्लॉट पर आशीष जारोली ने अवैध रूप से निर्माण करवा दिया, जिसके बाद मोहम्मद शफीक ने यूआईटी में शिकायत की तो यूआईटी ने मौका मुआयना कर काम को रुकवा दिया और गार्ड को भी नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि गार्ड की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होने की वजह से कब्जेदार आशीष जारोली रात को काम करवा रहा है। इस मामले को जब उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया तो यूआईटी फिर से हरकत में आई और तहसीलदार विमलेंद्र राणावत ने कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद निर्माण किया जा रहा है तो गलत है और इस मामले को लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी और निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं प्लॉट के असली मालिक ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैंने जरे एक प्लाट से मोहम्मद शफीक पार्टी से 2019 में प्लॉट खरीदा था। मैंने यूआईटी में बटने के लिए फाइल भी लगा दी है। कोई आशीष जरूरी है मेरे प्लॉट पे नाजायज कब्जा कर रहा है। वहाँ आके मैंने अभी थटर पे नाम भी लिखे, उन्होंने नाम बिगाड़ दिए मेरे। और रातों रात इन्हों की जब छुट्टी रहती है, रात में काम चले थे, यूआईटी ने वहाँ पर बिठा रखा है। सुबह 9 से 5 बजे तक यूआईटी का गार्ड बैठा रहता है। जब गार्ड जाता है उसके बाद वो काम चलाते हैं। ना जाने क्या कि उन्होंने प्रशासन में कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा है, विचारधनी है, अभी केस चल रहा है वहाँ पर। और वो कोर्ट को भी अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। रात में काम चलाते हैं, मेरे पास सारे प्रूफ है, उन्होंने सारा काम रात को चाहे। और यूआईटी जब गार्ड बिठा रखा है वो 5 बजे तक रहता है, 5 बजे बाद जब वो जाता है उसके बाद अभी छुट्टी थी दीपावली की 5-7 दिन, तो उन्होंने पूरा काम देते मेरे प्लॉट पे नाजायज काम चला रहे हैं। और मैं यूआईटी में तहसीलदार साहब से भी मिला, उन्होंने बोला हम इसको ध्वस्त करेंगे। अभी तक कोई ध्वस्त नहीं करा है, मेरा प्लॉट है, मैंने मेरे प्लॉट पे हटर पे नाम लिखे, उन्होंने रातों रात गार्ड था जब तक उन्होंने हटाया नहीं। रात में 1-2 बजे आए गार्ड बोल रहा है और उन्होंने मेरा नाम को वहाँ से हटा दिया। प्लॉट मेरा है, यूआईटी में मैंने फाइल जमा करा रखी है, कोर्ट में केस चल रहा है, मैं कोर्ट से आगे नहीं जा रहा हूँ। पर वो कोर्ट से भी आगे जाके रातों रात काम चला रहे हैं। ना देने कौन आशीष जरोली है, हिरण मगरी सेक्टर 6 या 5 में रहता है, उसका काम चल रहा है, वो सामने कभी आता नहीं है वहाँ पर। मैं तो कोर्ट के जो कोर्ट बोल रही है उसके पे ही चल रहा हूँ, ये कोर्ट से आगे जाके और काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, दिन में कभी काम नहीं चलता है वहाँ, रात में ही काम चलता है। मेरे तहसीलदार साहब से अभी मुलाकात हुई है, वो बोल रहे हैं मैं दर्ज करवाऊँगा, पर कब मैं कब तक, हम गरीब आदमी है, मेरे जिंदगी की जितनी भी पूंजी थी मैंने उस प्लॉट में लगा दी, मेरे पास और कुछ अब है नहीं। मैं तहसीलदार साहब से जाके गया, कोर्ट में जा गया हूँ, मैं एसपी साहब के पास भी जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो रात में काम चलाते हैं, पुलिस को भी नहीं जो कुछ समझ रहे हैं, रातों रात काम चला दिया उन्होंने। क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति विशेष का प्रशासनिक अमले पे कोई दबाव बना हुआ रहता है? हाँ, उसका प्रशासनिक अमले बहुत दबाव बना रहता है वहाँ पे। मैं थाने में भी गया, मैंने परिवाद दे रखा है 26 तारीख को रात को, 26-9 को मैंने परिवाद दे रखा है। उसकी 27 तारीख को उन्होंने रात की 1:15 बजे छत डलवा रहे, रात में ही काम चल रहा है, मेरे पास प्रूफ है, सारे फोटो खींच रखे मैंने, रात को काम चलाते हैं, दिन में कभी काम नहीं चलता है वहाँ। यूआईटी का गार्ड बैठता है सुबह 9 से 5 बजे तक, यूआईटी का गार्ड रहता है वहाँ पर, और दिन में काम कभी नहीं चलाते। कोई आशीष जरूरी है और कुछ है उनके साथ, ऊपर नेता लोगों की क्या मालूम क्या है, उनका दबाव पड़ रहा है इसलिए वो रात को ही काम चलाते हैं। मैं थाने में गया, थाने वाले कह रहे ये तो यूआईटी का मामला, अब यूआईटी जाओ, मैं यूआईटी से लिखवा के ले गया, पंचनामा मेरे बनवा रखा है मैंने, पंचनामा है, हर चीज है वहाँ पर। सर, ये अरिहंत नगर वाले भूखंड जो आशीष जारोली के नाम से अतिक्रमण करा हुआ है वहाँ पर, उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे हैं और कोर्ट के स्टे होने के बावजूद, कोर्ट में केस चलने के बावजूद वो रात भर वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। और पिछले जो आपकी बाइट ली थी उसमें आपने कहा था कि आप शीघ्र उसे ध्वस्त कराएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वो कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी रेवेन्यू टीम और अपने गार्ड के जरिए मौके पर मुआयना करने के लिए भेज रहा हूँ, और अगर पाया जाता है कि निर्माण कार्य कोर्ट के स्टे के बावजूद भी हो रहा है और अपने गार्ड लगाने के बावजूद भी हो रहा है, तो उसको यानी कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रयास करेंगे कि कोर्ट के स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य कर तो कंटेंट के लिए भी कोर्ट से निवेदन करेंगे, क्योंकि कोर्ट का जो अवमानना होती है इसके संदर्भ में भी माननीय कोर्ट से निवेदन करेंगे, ताकि अतिक्रमण के खिलाफ यानी सख्त कार्रवाई हो सके। एक प्रश्न और जानना था सर कि निर्माण कार्य जो हो रहा है वो रात्रि में हो रहा है,
और UIT ने जो सुरक्षा कर्मी लगा रखे हैं वो 9 से 5 का लगा रखे, तो क्या UIT इस विषय की संगीनता को समझते हुए रात्रिकालीन कोई सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करेगी? आपसे मुझे जानकारी मिली है कि वो दिन में निर्माण कार्य नहीं कर रहा, रात में कर रहा है, तो अपन जांच में ये एक बार सत्यापन कर लेते हैं कि अगर कोई निर्माण कार्य पूर्व से ज़्यादा निर्माण कार्य हुआ है तो उस संदर्भ में अपन एक तो उसको पाबंद कराते हुए और कंटेंप्ट की अवहेलना जो कंटेंप्ट किया है उसकी भी यानी कि रिपोर्ट कराते हुए और रात्रिकालीन के लिए भी गार्ड अपन सुनिश्चित करवाएंगे। धन्यवाद।